IPL 14 में अब तक कुल 8 मुकाबले संपन्न हो चुके हैं। सभी टीम दो दो मैच खेल चुकी है। ऐसे में हैदराबाद को छोड़कर शेष सभी टीमों ने अपना खाता खोल दिया है। वहीं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर दोनों मैच जीतने वाली इकलौती टीम है, जबकि शेष टीम एक एक मुकाबले ही जीत सकी। वहीं चेन्नई सुपर किंग ने पंजाब किंग्स पर जीत के साथ छठे स्थान पर जबरदस्त उछाल पाया है। चेन्नई अब दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं अंक तालिका में मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पर है, जिसके +0.225 नेट रन रेट है, जबकि 0.195 नेट रन रेट के दिल्ली कैपिटल चौथे पायदान पर मौजूद है। वहीं राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर और पंजाब किंग पांचवें, छठे और सातवें स्थान पर है, जबकि हैदराबाद सबसे आखिरी पायदान पर मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग ने शुक्रवार को दीपक चहर की शानदार गेंदबाजी से पंजाब किंग्स को कम स्कोर पर रोकने के बाद 26 गेंद रहते 6 विकेट से जीत हासिल की। शुरुआती मैच में दिल्ली कैपिटल्स के साथ विकेट से हारने वाली चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का यह टीम के लिए 200वां मैच था, जिसमें टीम ने इस सत्र में पहली जीत हासिल की। वहीं आपको बता दें कि चेयर के शानदार शुरुआती स्पेल में चेन्नई सुपर किंग ने पंजाब किंग को बल्लेबाजी का न्योता देने के बाद 8 विकेट पर 106 रन के स्कोर पर रोक दिया। चेयर ने अपने 4 ओवर में से 1 ओवर मैडन फेंका और 13 रन देकर 4 विकेट झटके। इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग ने हालांकि जीत दर्ज करने के लिए 15.4 ओवर लिए, जिसमें उसने 4 विकेट गंवा दिए। इस तरह उसने 107 रन बनाए और 2 अंक जुटाए और खाता खोला। एल्ड न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।